देखो आयु सरसों और लहसुन का जो तेल है वो मालिश कर रहा है, और उसके माथे पे ये गीला कपड़ा लगा रखा है। मेरा भाई का होता है ठंड, इसलिए इसलिए मेरा भाई को गामुछा घोड़ा वो तेल 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 घिसता है। मेरा भाई को बहुत जोर ठंडा होता है, तेल लगे पैर में लगाए हो। खाली गोटे पाद लगा पादरे पाद तले लगा देना। आई की सेवा कर रहा था अभी, आयु सो गया थोड़ा सा आया। रात का बजा हुआ है 4:30। मैं लगभग 1 घंटे से उठी हुई हूँ क्योंकि आयु का बुखार बहुत बढ़ गया, मतलब उसको रात को मेडिसिन दिया था मैंने। मैं बैठी हुई हूँ यहाँ और ये आयु को थोड़ा सा तेल, जो सरसों का तेल और लहसुन, उसको मैंने मालिश कर दिया है। सोया है, बहुत बुखार, मतलब उसके आंखों से पानी ऐसे व्हाइट कलर का ऐसे निकल, ये यहाँ व्हाइट हो गया है। ठंड उसको बहुत ज़ोर से, कल मैं खुश हो गई थी, मेडिसिन दिया तो सब सोए हुए हैं। और माँ को कब नींद होता है, तो मैंने उसको ऐसे मालिश किया। और बड़ा बेटा को भी कल बुखार रात को आया था, उसको मेडिसिन दिया हूँ, अभी तक बुखार नहीं आया है। लेकिन आयु को बुखार बहुत ज़ोर से है, उसको जो 3 ठो बिस्किट बहुत तकलीफ़ से दिया, अभी वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, उसको थोड़ा सा ओढ़ा दिया हूँ। और कल आज को मिला के 3 दिन हो जाएगा उसको बुखार, आदि को 4 दिन, नहीं हाँ आदि को 4 दिन और इसको 3 दिन। के रख रहे हूँ आज थोड़ा सा, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं पैर को, मैं रखते हैं। आयो बहुत कुछ, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मतलब जो बच्चों का बुखार हुआ था, तो बुखार के बाद की ट्रीटमेंट है। बुखार के बाद बच्चों का एपेटाइट पूरा खराब हो चुका है, तो उस एपेटाइट को ठीक करने के लिए ये डाइजेशन का मेडिसिन, डाइजेशन का। और मैं जो ठंड है, अभी भी ठंड है, उसके लिए मैंने वो भी कंटिन्यू किया है। आयु को कल मैंने पैरास्टामोल भी दिया था, क्योंकि रात को थोड़ा सा बुखार आया था, उसका बर्थडे था, तो मतलब थोड़ा केक वगैरह लेके आए हम लोग बारिश में जाके। बारिश तो नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा एटमोसफियर तो वैसा ही था। और खाने के बाद ये मतलब टॉनिक जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, क्योंकि आदि का आयु का पैर जो है पूरा कल स्टिफ हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था, मतलब उठ नहीं पा रहा था, उसका पैर पूरा ऐसे टेढ़ा हो गया था, रह गया, तो मुझे डर लगा क्या हो गया। लेकिन उसको थोड़ा सा तेल मालिश करके, फिर तेल मालिश किया गया, फिर जो मालिश का तेल होता है और गर्म पानी का जो भाप उसमें सेक दिया गया, तो
अभी वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, मतलब इतना तकलीफ उन लोगों को हो गया है। आदि क्या तो पूरा वो देखने से ही पता चल जाता है, उसका मुंह इतना छोटा सा हो गया है और पैर भी उसका चलने पर, लेकिन वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो जितना भी तकलीफ हो वो सह जाता है। वो कैसे बच्चे हैं, दोनों बच्चे वैसे ही हैं, जितने भी तकलीफ आए वो मतलब पढ़ के नहीं रहते, सोते नहीं है। आदि को उतना अगर सीवियर होगा तो वो बेड पे जाएगा, नहीं तो खेल कूद ये सब चलता ही रहता है। लेकिन अभी उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गया है, बहुत मतलब पेन हो रहा है, वो लोग चल नहीं पा रहे हैं। छोटा का जो हालत है, बड़े का भी वही हालत है। तो ऐसे हालत में मैं कल रात को आयु का हाथ ऐसे पड़ गया मेरे ऊपर, पूरा सीधा था, तो मेरे बॉडी से एक जैसे एक हाई निकल गया, जैसे आग निकल गया। क्या हुआ उसका हाथ ऐसे, क्या इतना वीक हो गया, क्या हुआ उसका? फिर मैं देखी उसको, हाथ ऐसे पड़ा हुआ था, फिर वो ऐसे आगे पैर मेरे ऊपर ऐसे रख के सो गया। मैं फिर शांति से, और नींद नहीं आया, और ऐसे ही मतलब घर के बाद भी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन लोगों के एपेटाइट मेडिसिन की वजह से उनका एपेटाइट पूरा खराब हो जाता है, बॉडी वीक हो जाता है ज़्यादा। तो इसीलिए बाद का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं बुखार अच्छा हो गया, मेरे बच्चे को ट्यूशन जा, क्योंकि घर में बैठ के करेंगे क्या? ट्यूशन जा, स्कूल जा, स्कूल जाके वो कल पानी में मतलब बारिश शायद हुआ था तो पानी में खेल रहा था जाके, मेरे पिताजी फोन से वो वहाँ गए, जाके उसको देखा था वो खेल रहा है, फिर मुझे फ़ोन किए कि उसके लिए एक ड्रेस ला। लेकिन वो थोड़ा सा नटी है, आयु का ऐसा मतलब बिहेवियर नहीं है, लेकिन आदि थोड़ा सा नटी है, तो क्या किया जा सकता है। ऐसा था, आने के बाद फिर पिताजी ने उसको सेक दिया, या उसको फिर मेडिसिन दिया गया रात को, फिर ठंड का मेडिसिन मैंने दिया, क्योंकि बच्चे के ऊपर गुस्सा करके कर लिया, उनको मेडिसिन देना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट ही देना पड़ेगा, बहुत मैसेज करेंगे, उनको